हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इलेक्ट्रिक टेक ब्लॉग में। और आज हम आपको बताने वाले हैं एमसीबी बोर्ड का वायरिंग कैसे करें। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक प्लाईवुड का, जो मैं लेकर रखा हूँ, और उस पर एक टू मॉडल का एमसीबी बॉक्स है जो कि मैं उस पर टाइट कर दूँगा। और अच्छी तरीके से टाइट कर लीजिए। ये देखिए, मैं अच्छी तरीके से टाइट कर लेता हूँ। टाइट करने से ऐसा टाइट रहेगा अच्छी तरीके से, तो और बेहतर रहेगा। उसको मैं टाइट कर लिया। अभी देखो, एक होल्डर ले लेता हूँ मैं, जो कि उस ढांचे में उसको मैं टाइट कर दूंगा। ये देखिए, पीछे से उसको आगे से उसका कैप लगा दूंगा, जो कि अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। ढीला रहेगा तो खुल जाएगा फिर से। मैं अच्छे तरीके से टाइट कर लिया। अभी देखिए, मैं स्विच ले लेता हूँ, और स्विच को तीन स्विच है, और एक सॉकेट और एक इंडिकेटर का इसमें सेटअप दिया है, जो कि मैं अभी एक स्विच आपको लगा रहा हूँ, लगा के दिखा रहा हूँ। और स्विच को अच्छी तरीके से लगा के स्क्रू उसका जो आता है उसको टाइट कर लेंगे हम। अभी देखिए दोस्तों, स्क्रू लगा रहा हूँ। देखिए, एक स्विच लग कर तैयार हो गया, और इसको पीछे से अच्छी तरह से टाइट कर लीजिए। दूसरा जो स्विच लगा देते हैं, और स्विच लगाने के बाद दोस्तों अभी आपको आगे बताता हूँ। देखिए अच्छी तरीके से हम लोग इसको पूरा टाइट कर लेंगे। ये टाइट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, पीछे का इसमें अब वायरिंग करने की बारी आती है। तो दोस्तों, अभी हम लोग इसको भी उल्टा करेंगे, इसको पलट के पीछे से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी तो पहले इसको टाइट कर लिया जाता है, क्योंकि अच्छी तरीके से टाइट रहेगा तो सही रहेगा। और अभी हमें टेस्टर की मदद से अच्छी तरीके से स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद दोस्तों, मैं पीछे आपको वायरिंग करके दिखाता हूँ इसका, कि वायरिंग कैसे किया जाता है। बिल्कुल आसान तरीका है वायरिंग करने का, क्योंकि आप भी घर पर वायरिंग कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। अभी मैं अभी अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लेता हूँ, स्विच को, स्विच और सॉकेट को, क्योंकि वो टाइट रहेगा तभी अच्छा रहेगा, बाद में दिक्कत नहीं होगा। टाइट हो गया। अभी देखिए, एम सी बी में आपको इस पर बैठा देता हूँ पहले, बाद में उसका वायरिंग किया जाएगा। पहले एम सी बी को अच्छी तरीके से इसका बैठा देते हैं हम लोग, और उसके बाद से एम सी बी बैठाने के बाद मैं आपको वायरिंग करके दिखाता हूँ। देखिए, इस एम सी बी जो कि साइन कंपनी का एम सी बी है, और अच्छी क्वालिटी का एम सी बी है, मैं यूज़ करता हूँ। इसका बोर्ड वोड बना कर बहुत मतलब सेल किया हूँ, और अच्छा चलता है। ठीक क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का, अच्छा चलता है। और इसमें मैं एक 16 एम्पियर का लगाया हूँ, 10 एम्पियर का लगाया हूँ, क्योंकि अभी देखिए बहुत हो गया, 26 एम्पियर बहुत है लोड, क्योंकि इतना लोड अभी कोई चलाता थोड़ी ना, नॉर्मल घर के लिए बहुत लोड है वो। अच्छी तरीके से देख लीजिए, एक इंडिकेटर तीन स्विच और एक सॉकेट का बोर्ड बन गया है। अभी मेन बोर्ड है एम सी बी वाला बोर्ड। पीछे एक टुकड़ा ले गया हूँ, टुकड़ा को अच्छी तरीके से छील दे पहले, उसके बाद चारों स्विच के नीचे जो एक इंडिकेटर है और तीन स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हम उसको लूपिंग कर देंगे, देखिए शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने से क्या है कि लूपिंग नहीं करना पड़ेगा, ये शॉर्ट रहेगा तो इसमें मैं एक ग्लास लगा देंगे, और अच्छी तरीके से टाइट कर दिया टाइट कर दिया। और अभी देखो होल्डर, अभी एक लूपिंग कर देते हैं सॉकेट का, जो कि स्विच से कनेक्ट कर देते हैं, जो कि स्विच चालू करने के लिए सॉकेट चालू हो जाएगा। और स्विच के टूटने वाले
और फिर देखो और जो सॉकेट के लाइट का मतलब रियल लिखा रहता है उसमें आप लगा सकते हैं कि सेम राइट साइड में रियल लिखा रहता है, राइट साइड में उसको टाइप कर दीजिए अच्छी तरीके से और टाइट करने के बाद अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लीजिए। फिर अभी एक तार का टुकड़ा और लेते हैं और जो होल्डर है होल्डर को मैं लाइट लाइट देता हूँ क्योंकि एक टर्मिनल में फेस का लगेगा और एक टर्मिनल में नेटवर्क का लगेगा, तभी मैं फेस का कनेक्शन कर रहा हूँ। इसको पीले वाला वायर चालू करने के लिए और ये स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में मैं इसको टाइप कर दूँगा क्योंकि स्विच चालू करने से आउटपुट देगा और बल्ब को चालू करेगा। अभी देखिए अच्छी तरीके से स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि अच्छी तरीके से स्टार्ट करेगा तो अभी ठीक रहेगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। अभी एक और काला वायर ले लेते हैं जो कि न्यूट्रल के लिए लिया। अभी एक स्विच होल्डर में से इसको भी एक टर्मिनल में टाइट कर लेंगे और टाइट करने के बाद जिसको अच्छी तरीके से स्टार्ट कर लीजिएगा, नहीं तो धीरे थोड़ा भी ढीला रहेगा तो इस बार करेगा। इसको हम लोग अच्छी तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं और टाइट करने के बाद देखिए टाइट हो गया। टाइट करने के बाद इसको जो इंडिकेटर का एक टर्मिनल बचा उस टर्मिनल में हम लोग बल्लभ का जो न्यूट्रल वाला है वो हम लोग एक टाइट कर लेंगे और एक और लूपिंग करके हम लोग सॉकेट में लाने के लिए एक और लूपिंग कर लेंगे और लूपिंग के अच्छी तरीके से उसको टाइट कर देंगे और उसको टाइट करने के अच्छे तरीके से उसको टाइट कर लेंगे क्योंकि वो इंडिकेटर है और इंडिकेटर न्यूट्रल थोड़ा ढीला रहेगा वो दिक्कत करेगा, इसलिए हम लोग उसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद दोस्तों ये अभी एक उसका जो वायर वायर लिया था वो वायर न्यूट्रल सॉकेट में देने के लिए दिया था तो अभी इसको मैं छील कर रख लेता हूँ। अभी जो मेन MCB है वो MCB देखिए एक ले लिया हूँ काला और एक नीला, जो कि एक फेस है नीला और काला न्यूट्रल बनाएंगे। अभी इसको मैं अंदर MCB के ऊपर से आउटपुट ऊपर से मतलब लोड दिया जाता है, MCB का ऊपर से लोड रहता है तो आप मतलब अक्सर करके आप देखिएगा दाहिने तरफ आप MCB जो लगी रहती है उसमें आप फेस दीजिएगा उसी से और जो बाएं तरफ रहा है उसमें न्यूट्रल, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही होता है राइट साइड में फेस रहता है लेफ्ट साइड में न्यूट्रल रहता है। तो देखिए उसको लेफ्ट साइड में न्यूट्रल आप लोगों को राइट साइड दिख रहा होगा लेकिन वो उस तरफ है तो वो लेफ्ट साइड है तो उसमें मैं न्यूट्रल वायर टाइट कर देता हूँ जो कि लोड के लिए है। अभी और MCU के ऊपर वाला हिस्सा लोड रहता है और नीचे वाला हिस्सा लाइन रहता है। अभी देखिए ये अभी हो गया, अभी आपको ये राइट साइड दिखेगा, मैं इस वाले MCU करूँगा फेस को लोड मतलब लोड वाला जो है राइट साइड में फेस में डाल दूंगा। तो इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लीजिए क्योंकि मेन तो यही से जाएगा जिसमें लोड रहेगा आपके घर का तो इसको अच्छी तरीके से टाइट रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि थोड़ा ये स्पार्क करता है ना तो MCB ट्रिप भी हो सकता है और मतलब कहीं शॉर्ट सर्किट भी होगा तो MCB ट्रिप हो जाए, इसलिए हम MCB लगाते हैं। और देखिए मैं अच्छी तरीके से टाइट कर लिया हूँ तो ये जो ब्लू वाला वायर और काला वाला वायर है अभी मैं एक काला वाला जो वायर है उसको काट लूँगा और काट के जो काला वाला बचा है उसमें करके उसको सॉकेट में मैं ज्वाइन कर लूँगा क्योंकि हमारा न्यूट्रल का वायर पूरा हो गया है। ये देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेता हूँ, टाइट करके उस सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लूँगा। अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देंगे वायर को क्योंकि जितने ही अच्छे तरीके से टाइट होगा उतना ही अच्छा क्वालिटी रहेगा उसका। दिखा देखिए अभी ब्लू वायर है जो कि हम लोग फेस बनाए हैं लोड में, तो इसको मैं स्विच के नीचे वाला जो टर्मिनल है उसको किसी भी एक में आप लगा सकते हैं नीचे वाले टर्मिनल में फेस को, क्योंकि आप किसी में भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं देखिए तीसरे स्विच पर लगा दिया हूँ, इसमें अच्छी तरीके से मैं टाइट कर लूँगा
और आप अच्छी तरीके से इस टेस्टर से लेके ट्रैक्टर से देख लीजिए। हमारा ये वायरिंग पीछे का वायरिंग कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग इनपुट देंगे जो कि एमसीबी के नीचे लाइन लगाया है, लाइन लिखा रहता है उसमें हम लोग इनपुट देंगे। अभी देखिए एक ब्लू वायर ले लेता हूँ लंबा सा, जो कि इसको डबल में कर दूँगा, और आप कोई भी वायर ले सकते हैं, मैं तो ब्लू ले रहा हूँ। ब्लू मतलब दोनों डिजिटल फ्लैश दोनों में ब्लू ही बना दिया हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाद में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सभी वायर है ऊपर से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता होगा, क्योंकि आप किसी भी में जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर मान लीजिए काला और लाल आदमी यूज़ करता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपके पास जानकारी है तो आप कोई भी वायर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अभी देखिए मैं तो वायर डाल देता हूँ, एक ही वायर है तो एक नीचे एक लाइन वाले में मैं इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दूँगा। और ये देखिए इसको इसका मैं ढीला कर रहा हूँ, इसको खोल के अभी मैं अच्छी तरीके से टाइट कर दूँगा, क्योंकि अच्छी तरीके से टाइट होगा तभी अच्छा क्वालिटी का चलेगा, और अच्छी क्वालिटी से बेहतर क्वालिटी चलेगा। ये देखिए मैं इसको टाइट कर लेता हूँ और अच्छी तरीके से आप लोग टाइट कर लीजिए, हम लोग ये काम कर रहे हैं तो आप कोई दिक्कत ना हो इसलिए अच्छी तरीके से टाइट कर लीजिए। और देखिए मैं अच्छी तरीके से टाइट कर ले रहा हूँ, टाइट हो चुका है। और अभी मैं एमसीबी का ऊपर का कवर लगा देता हूँ, जो कि दिखने में भी अच्छा दिखेगा आप लोगों को और बेहतर दिखेगा। अभी देखिए ऊपर से मैं एमसीबी, यदि एमसीबी सिंगल में रहता है तो उसको आप काट के बना लीजिएगा, डबल है डबल लीजिए काट लिया अच्छी तरीके से बैठा लीजिएगा, और बैठा के इसको दो स्क्रू आता है और आप टाइट कर लीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगा तो दिखने में अच्छा लगेगा और बेहतर लगेगा। तो आप लोग टाइट करके अच्छे से रख दीजिएगा। क्लियर हो गया है उसको पीछे जो 10x12 का लकड़ी का बॉक्स आता है उसमें हम लोग अच्छे से उसको टाइट कर लेते हैं, कितना अच्छा और कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में, बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। पीछे से भी देखिए वायरिंग देख लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप लोग आराम से वायरिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये देखिए डायग्राम है, आप देख के फोटो स्क्रीनशॉट लेके भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक होल्डर है और एक पंखे का भी स्विच खाली है, आप लगा सकते हैं, और एक छोटा एक इंडिकेटर है, कोई भी इसमें कोई बहुत ये नहीं है, आप आराम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो देख अभी देखिए चलिए चलते हैं अभी हम आप जो खूबसूरत दिखेगा। ये देखिए मैं ले लिया इसका, और अभी 4 स्क्रू है और स्टार स्क्रू है, स्टार स्क्रू से मैं इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लूँगा। टाइट करने के बाद मैं इसको आपको दिखाता हूँ कितना भैया और कितना खूबसूरत दिखता है। ये देखिए स्क्रू से अच्छी तरीके से टाइट कर लीजिए, क्योंकि ही लेट लेना और देखने में भी अच्छा लगे, इसलिए 4 स्क्रू लगा दीजिए। आपके पास 6 स्क्रू लगा दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 स्क्रू भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैं 4 स्क्रू 2 स्क्रू लगा के 2 स्क्रू लगा देता हूँ, इसको लगाने के बाद मैं आपको अभी दिखाता हूँ कितना बेहतर कितना है, और बहुत ही अच्छा अच्छे क्वालिटी का भी बोर्ड है, बहुत बेहतर है, बहुत दिखता है इसमें आपको, सस्ते में अच्छा क्वालिटी का है और फिनिशिंग का भी है, ये देखिए खूबसूरत दिख रहा है। और दोस्तों ऐसे मतलब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ऐसे बहुत ही वीडियो आपको देता रहूँगा, हमेशा मैं आपके वीडियो होगा और दोस्तों
मेरा भी साथ दीजिए और मेरी अगर तो मेरा साथ सपोर्ट करिए और मुझे दोस्तों मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए और लाइक करिए कमेंट करिए।